डिपार्टमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन केरल ने 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिजल्ट आज यानी कि 14 जुलाई 2021 को आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर घोषित किया गया है। इस साल कुल 99.47% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, वहीं कुन्नूर जिले ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके अनुसार यहां के करीब 99.85% छात्रों ने सभी विषय में 121,318 ने ग्रेड ए प्लस हासिल किया है। वहीं साल 2021 के लिए SSLC परीक्षाओं ने कुल 4,22,000 रेगुलर छात्र और 990 प्राइवेट छात्र छात्राएं शामिल है। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र छात्राएं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद यहां जरूरी डिटेल्स एंटर करके रिजल्ट चेक कर पाएंगे। केरल LLSC रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले छात्र छात्राएं केरल परिणाम की आधिकारिक साइट keralaresults.nic.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध केरल SSLC रिजल्ट 2021 पर लिंक पर क्लिक करें, फिर रोल नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें। इसके बाद सबमिट दबाएं और अपना परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। इसके साथ ही परिणाम की जांच करें और पेज डाउनलोड करें। वहीं आगे की आवश्यकता के लिए उसी की ही एक कार्ड कॉपी अपने पास रखें। केरल SSLC रिजल्ट की गणना 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर की गई है। इसमें हाईएस्ट ग्रेड 9 होगा और न्यूनतम 1 होगा। ग्रेडिंग के अनुसार किया जाएगा A+A, B+B, C+C, D+D, E है। वहीं ग्रेडिंग D यानी कि उससे नीचे प्राप्त करने वाले छात्रों को SAY या फिर सेवा या परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।